इतने सालों बाद इनको बैग लगा हुआ देखा है। चले चुदर मेरा मुंह बिल्कुल धुल ले गया। गुड आफ्टरनून। सो आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है। सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ स्कूल सानिया को लेने। मैं सानिया को स्कूल ले जा ले हमेशा मैं सोचती हूँ फ्लो फ्लो बोलूंगी, मेरा फ्लो सारा बिगड़ जाता है यार। पीछे शोर आएगा उसे इग्नोर करना, मेरी बातों पे गौर करो, मेरी बातों पे गौर करो। मैं कहाँ जाऊँ, कोई ऐसी जगह मुझे दे दो जहाँ जाके मैं शूट कर पाऊँ। खुद का सर पीट पीट के ये समझ आया कि मैं शांत हो जा, कंट्रोल कर, इस घर में तुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलने वाला, बिल्कुल शांति नहीं मिलने वाली। तो जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट कर और बनाना शुरू कर। तो आज मैं जा रही हूँ सानिया को स्कूल लेने के लिए। जब से वो स्कूल जा रही है उसको एक साल एक डेढ़ साल हो गया स्कूल में, तो मैं उसको कभी लेने नहीं गई। और लेने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जो स्कूल का बैग है उसका वो बहुत ज़्यादा भारी है, उसके शोल्डर में दर्द हो जाता है। वो मुझे डेली बोलती थी मुझे स्कूल लेने आना लेने आना लेने आना, बट मैं नहीं जाती क्योंकि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, बाहर धूप भी है और मेरे को भी आलस आता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं नहीं जाती। सो आज मुझे मम्मा ने बोला कि चली जाए, थक जाती है, तो मैंने कहा ओके। सो अब मैं रेडी होने लगी हूँ, तो जा रही हूँ मैं सानिया को स्कूल लेने। तो चलते हैं, बाकी ये शोर हमेशा का है। देखो बाहर ऐसे महफिल लगती है। फिर खैर मुझे क्या लेना, मैं तो जा रही हूँ सानिया को लेने के लिए। बाय। देखा आपने क्यों शोर पड़ता है। अब बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या पहनूं यार। ये तो समझ, अब ये समझ नहीं आएगा, अब ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगी मैं। मम्मी घर में बहुत ज़्यादा शोर है, मैं एक काम करती हूँ, मैंने घर से निकल के स्टार्ट करती हूँ क्योंकि शोर बहुत है। एक घंटा है मेरे पास सानिया को ले जाने के लिए। और आपको एक और चीज़ बतानी थी मुझे, ये देखो गाइस, गाइस एक साल भी नहीं हुआ इसको, छः महीने भी नहीं हुए, मेरा दिल टूट गया। मैं क्या करूँ, मैं जकड़ूँ, मैं ग्राही हूँ, आपको पता है मैंने क्या किया इसके साथ। मेरी गलती है, किसी की गलती नहीं है। हुआ एक्चुअली ये था कि जो स्टैंड है ना इसका, एक दिन मैं लगा रही थी, तो जब मैं लगा रही थी तो मैंने उसको ना वो यहीं तक लगता है, इधर से नीचे नहीं जाता, यहाँ तक नहीं आता, यहीं तक लगता है। तो मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, तो मैंने यहाँ पे यहाँ तक रखा, उसको डाला जैसे, तो मुझे लगा ये नीचे से क्यों इतना नंगा है, ये पूरा क्यों यहाँ तक आया। मैंने ऊपर से उसको दबा दिया ताकि वो नीचे हो जाए, तो ये देखो वो टूट गई। ये इंसिडेंट हुआ, और अब पता नहीं कहाँ उसको नीचे वाला पार्ट कहीं से मिल जाए तो अच्छा होगा। अगर आपको पता है कि अगर उसका नीचे वाला पार्ट मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये वाला पार्ट, ये जो है यहाँ से ऊपर ऊपर तो ये दूसरा है, बट यहाँ से जो नीचे है ना ये अलग है, मिलता है। अगर नहीं मिलता तो फिर मैं कोई जुगाड़ लगा के इसी को जोड़ लूँगी, और क्या कर सकती हूँ यार। कपड़े कौन से लगा जाऊँ अभी तो ये डिसाइड नहीं होगा, कैसी नालायक इंसान हूँ मैं। हाँ तो मैं ये थी, मैंने ये पेंट डाली थी, ये पेंट में बिल्कुल साई लग रही हूँ, देखो ये कैसी है यहाँ से। मुझे ये पेंट बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है, मैंने बड़ा अच्छा लुक क्रिएट कर लिया था, मैंने गुद कर ली थी, बट कोई फ़ायदा नहीं है, ये पेंट बहुत बकवास है, बहुत ज़्यादा बकवास। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे बकवास पेंट कहीं नहीं देखी। देखिए मैंने बहुत कपड़े ट्राई किए, वो देखिए एक पैंट, एक वो टॉप, एक ये पैंट, वो ट्राउज़र, वो शर्ट पड़ी है, एक वो टॉप, वो सारे मैंने बहुत कपड़े ट्राई किए, बट एट द एंड मुझे यही पसंद आया यार, यू नो टॉम बॉय वाले कपड़े। एट द एंड मेरी फेवरेट ड्रेस है यार, ये कुछ भी कह लो मेरी ये फेवरेट है। मेरा तो मेरा बस चले, मैं तो सारी ज़िंदगी इसे ना उतारूँ, सारी ज़िंदगी यही ड्रेस पहन के रखूँ। तो मैंने पहने हैं उसके साथ ये शूज़, जो कि मुझे ये शूज़ भी मेरे फेवरेट हैं, ये शूज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत सेक्सी लगते हैं। और ये ट्राउज़र तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, बताने लगी थी कहाँ से ली है, बट फिर ब्रांड प्रमोशन हो जाएगी इसलिए नहीं करनी। चलो अब चलते हैं, निकलते हैं सानिया को लेने के लिए। बाय।
निकल गई मैं घर से। मैंने थोड़ी लिप ग्लॉस लगा ली क्योंकि मेरे लिप्स के दिन फीके फीके लग रहे थे, इसलिए धूप है। ये पुल क्रॉस करना है, वो पार बड़ी मस्जिद दिख रही है, वहाँ जाना है। छोटी बहन के जाने मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। ओफ बैग लगा के सीरियसली देखना, ये देखो यार इतनी गर्मी, और मेरे मुंह की हालत देखोगे तो डर जाओगे इतनी गर्मी। बकरी हूँ हम उस तरफ से मैं उस तरफ से तो देखो यार मैं भी आज स्कूल की बच्ची बन गई। मेरा बैग दिख रहा होगा आपको, ये मेरा बैग रहा। मेरी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत आराम से बोल रही हूँ, कर पा रही हूँ। दिख रहे हो आज ये मैडम जी मेरा बैग लेके जा रही है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इतने सालों बाद इनको बैग लगा हुआ देखा है तो, लेकिन इनकी पसीने से बुरी हालत हो रही है सुबह। तो अब मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं ये कह रही थी देखो ये सानी का बैग और सानी ये क्योंकि ये हालत मुँह की हालत देखो, इतना इतना स्वेट, इतना स्वेटिंग, इतनी स्वेटिंग बता नहीं सकती। और स्कूल के बाहर सारे बच्चे मुझे घूर रहे थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही यू नो कैसे बताऊँ थोड़ा ना शायद फील हो रहा था। जब मुझे कोई बहुत सारे लोग घूरने लगे तो मैं ही बैठ के जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो बस सगी मेरी बस सगी पकड़ ले, ये पकड़ ले। हाँ अरे कौन से रास्ते से आई है, बोला उधर चलते हैं। यहाँ की गलियों को नोटिस ना करें यार, मुझे ना हाइट जाना पसंद है, क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना अच्छा नहीं लगता ज़्यादा नहीं यार। हाँ हाइट रहना मुझे भी पसंद है, लेकिन जो दाग लगा था उससे दांत वहाँ टूट जाते, क्या हालत होती। छोड़ मैं जब मुझे बोल लेते मैं हूँ ब्लॉगर। हाँ 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 चल शुरू हो जाओ। मुझे हाइट रहना ज़्यादा पसंद है, मैं ऐसे ही बाजी बना लगूँ। मैं अपने प्रॉमिस और कसम उठवा दूँगी, काफ़ी ज़्यादा पक्की हूँ। नहीं यार मैं इसको तो बस स्कूल लेने गई, वरना मुझे कोई शक्ल नहीं था इस चमकांडी को लेने की। शक्ल भी शो कर चमकांडी तो तू है, मुझे क्यों बोल रही है काले कपड़ों वाले चमकांडे। तुझे हाइट रहना पसंद है, अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो कुंडी लगा ले दरवाजे को, बोलो मुझे हाइट रहना पसंद है। नहीं आती हूँ क्योंकि वो जो पुल है काफ़ी लंबा भी पड़ता है, और पुल से कुछ लेके देते हैं दुकान से। हम दुकान पे आए कुछ लेने के लिए। दो पाँच बजे रिजल्ट नहीं है, पकड़ से अरे जी मुझे पे करना है। देख सकते मेरी मुंह की हालत कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई यार, मतलब मुंह बिल्कुल इधर हो। तो अभी पुलिस भी नहीं है हम दोनों ने। अरे मैंने सोचा हम चेक करेंगे, कर लेना मेरे पास इतने पैसे थे उतने के लिए मैंने। हाय छोटे को हमने हाई किया, वो तो हमसे कुल्फी मांगने लग गया, लेकिन हमसे भी ज़्यादा छोटे हैं इसलिए हम भी देंगे। मेरे बाल खराब हो गया, स्कूल चले हम, स्कूल चले स्कूल के लिए। कितनी प्यारी सी बच्ची लगती हूँ, बैग लगा अच्छी लगती हूँ, मैं लगाऊंगी ना। मतलब ये नहीं कि चौबीस घंटे लगा के रखी, क्यों बाहर दे।
फाड़ना नहीं होगा। देखो अति सुंदर लग रही थी मैं, अति सुंदर रोला जमा दिया मैंने रोला। क्या हुआ पागल हो गई? लौंडी हूँ मैं, रोला जमा दिया मैंने रोला आज। काइली जेनर, शक्ल है काइली जेनर। काइली जेनर जैसी शक्ल बेबी चाहिए। तो फिर मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी फिर। उससे सर्जरी नहीं कराई थी, कैंडल ने कराई थी सर्जरी। वो कैंडल नहीं है उसका नाम, कैंडल जेनर है। काली जेनर ने अपनी लिप्स की सर्जरी कराई हुई है? कैंडल ने कराई है। काली जेनर की नेचुरल ब्यूटी है सब। देखो गाइस कुछ जिसको ये ऐसे नालायक बंदे हैं ना इस दुनिया में बसते, इन्हें कुछ पता भी नहीं होता फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस लेके घूमते हैं। उनमें से एक आती है मेरी बहन, ये फुल बहस करेगी, लेकिन अगर मैं वो चीज़ को प्रूफ कर दूंगी ना फिर बाद में लिंदी हो जाएगी, यानी कि डीट हो जाएगी, शर्मिंदा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। टांगू जितनी चादर लेनी है वो मैं लपेट के जाऊंगी। सोचा था आज मैं एक अलग व्लॉग करूंगी, कुछ स्पेशल करूंगी, बट ये व्लॉग अच्छा खासा बन चुका है। पसीने छूट रहे हैं, देखो कैसे। यार मैं इतनी प्यारी हूँ ना, बहुत प्यारी हूँ। हाई स्कूल से देखो ऑरेंज हो गया है। हाँ मेरी टंग भी देखो ऑरेंज हो गई है। हाँ मैं आज को खाती हूँ। सना एक बात जो कहूँ ना, इस शर्ट के नीचे तो ये प्लाजो बहुत अच्छा लगता है। मैं बात सुनो, दुआ कर रही हूं मैं लंबी हो जाऊं। मैं ऐसे चप क्यों मारती हूं? शर्ट तो आने वाली बात कर, क्योंकि मैं दांतों से नहीं मार सकती, मुझे सेंसिटिविटी होती है बहुत ज्यादा। सबको होती है, तुझे अकेली की नहीं होती। किसी किसी को नहीं होती यार, मैंने देखा हुआ है दांतों से जितनी मर्जी आइसक्रीम खा करके कुल्फी खा करके फ्रिज खा करके उन्हें नहीं होती है। देखो मेरा मुंह बिल्कुल धुलने गया है अभी, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा। ये देखो ड्रॉप्स दिख रहे हैं आपको, ये पकड़ना था मेरे को। रोज मेरे भी ऐसे धुलने जाते हैं। देखो बिल्कुल धुलने हो गया मेरा फेस। अब कोई चीज देना मुझे जरा, कोई टॉवल दे, कोई कुछ दे, खुद बटर है मेरे पास है। उठा के टिशू ले ले, वहां से ले। टिशू टिशू नहीं है हमारे पास, है ना वहां पे। कहां है? ड्रॉअर में पड़े हुए। कौन से? वाइट। कहां है? इनसे क्यों बात कर रही है? ओ सॉरी, वो वाइप से। गाइस ये मुझे इन वाइप से मुंह साफ करने के लिए बोल रही है, जो मैं जो पेट वाइप्स होते हैं। गाइस क्या मैं एक जानवर लगती हूँ आपको? तो ये देखो अब मैं अपना मुंह साफ करूँ, देना डिफरेंस मतलब ये पसीना पूरा। देखो ये पूरा स्वेट है, मैंने मुंह धो के आई हूँ बट ये पूरा स्वेट है। देखो और जो लोग मुझे मेकअप 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 बोलते हैं ना, मेकअप कर करती है हाँ यार, मेरा मस्कारा बिखर गया वो अलग बात है। हाँ जो लोग बोलते थे ना मेकअप करती है, नेचुरल ब्यूटी है ना। मैं इतनी ब्यूटीफुल ना सामने वाले बंदे को देख के यकीन नहीं होता। मुझे भी पसीने छोड़ रहा है, उसको मुझे देख के पसीने छोड़ता है ना। मेरी यहाँ पे काली होगी इंच से, क्योंकि मैंने थोड़ा यार ऐसे ऐसे लगाया था कुछ, जिससे कहते काइंड ऑफ एक लग गया, जिससे कहते मेरे फ़ोन की स्टोरेज हो गई थी फुल। सो अभी मैं खेल रूम बच्चे के साथ, क्योंकि मम्मा शटर बंद कर रहे थे कहीं रूम का, तो इसके सिर पे अच्छा खासा बच गया। तो भागते वक्त मेरे पास आ गई है, फिर मैं सोच रही थी मेरे भागते वक्त पास क्यों आई है। बैठो ना, चलो क्यों कितनी बकवास आ रही हूँ यहाँ पे मैं, मनहूस। अब ठीक आ रही हूँ। ओके सो मैंने बताया मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका था, इसलिए मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया और उधर वीडियो बंद हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो या ना लगा हो सब्सक्राइब कंपलसरी है। सो जो चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बाय।